मैंने काफ़ी स्ट्रगल की अपनी लाइफ में. ये नहीं है कि मैं चंद मतलब करके और मैंने इसको बना लिया है. मैं एक जगह जॉब भी करती थी लेकिन वो जॉब से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई. आप किसी के लिए इतनी स्ट्रगल करते हो तो वो बेनिफिट आपको मिलता नहीं है, उसमें आपको उल्टा बुरा भलाई कहा जाता है. तो मैंने कहा कि इतनी स्ट्रगल आप किसी के लिए करते हो, आप अपने काम के लिए करें. मेरी मदर हार्ट पेशेंट हो गई और मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल उनके लिए और किया, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वालदा जो है वो किसी के आगे हाथ करें. अपनी वालदा के लिए जब ज़रूरत हो तो मैं उसी वक्त आती थी, चाहे मैं वो 3 दिन के लिए क्यों ना आऊँ. अच्छा, ये डिज़ाइन भी आप खुद से करती हैं, ये कहाँ से सीखा आपने? ये मुझे गॉड गिफ्टेड है. आप प्लीज़ अपना काम ज़रूर करें, चाहे कम पैसों से करें. मैंने भी बहुत कम से स्टार्ट किया है लेकिन आप भी कर सकते. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया. मेरे साथ आज बहुत ही प्यारी सी लड़की मौजूद है जो कि छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े काम करती है. इसके पास हज़ारों के हिसाब से मुख्तलिफ डिज़ाइंस के कपड़े हैं, लेकिन कपड़े किन मकासद के लिए हैं ये बाद में आपको बताएंगे. ये जो कपड़े बनाना चाहती हैं उनका पहले डिज़ाइन तैयार करती हैं और ख़ुद अपने हाथों से डिज़ाइन बनाती हैं. ये आप कैमरे में भी देख सकते हैं. और इनमें एक ख़ास बात ये है कि इनके पास जो कपड़े मौजूद हैं वो उन लड़कियों के लिए हैं जो छोटे छोटे और मुख्तसर कपड़े पहनती हैं और यूनिवर्सिटी में आती हैं लेकिन अच्छी नहीं तैयार होती हैं. सब कुछ इन्हीं से जानेंगे कि इतने ज़्यादा कपड़े क्यों तैयार करती हैं, किन मकसद के लिए तैयार करती हैं और फिर ये कपड़े किन लड़कियों के पास जाते हैं, यही बताएंगी. अनिला, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अनिला, मुझे ये बताइए कि इतने ज़्यादा कपड़े तैयार करके रखे हुए क्यों? ये मैंने डिफरेंस बनाया है क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट चॉइस होती है, हर कोई डिफरेंट पहनता है. अच्छा। तो उसी सोच से मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के कपड़े बनाए हैं. जिस अच्छा, आप ये कपड़े सेल करती हैं? बिल्कुल. वो कहाँ सेल करती हैं, मुझे कोई रश नहीं नज़र आ रहा. मेरा ज़्यादा ऑनलाइन है. ऑनलाइन है, इंस्टाग्राम पे, स्नैक पे, फेसबुक वगैरह पे? सब पे है. अच्छा जी. तो ये किस तरह से ऑर्डर आपको कर सकती हैं लड़कियाँ? ये मुझे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और कुछ लोग जिन्हें ट्रस्ट नहीं होता कि पता नहीं इनका फैब्रिक अच्छा नहीं है, वो देखना चाहते हैं तो वो मेरे आउटलेट पे भी आ सकते हैं. किस नाम से आपका ब्रांड? आयशा सदीका के नाम से है. अगर इंस्टाग्राम पे सर्च करें तो किस नाम से? www.aishasadeeka.com के नाम. ठीक है. ये बनाने का सोचा किस तरह से अपना ब्रांड? एक्चुअली मैंने काफ़ी स्ट्रगल की अपनी लाइफ में. ये नहीं है कि मैं चंद मतलब करके और मैंने इसको बना लिया है. मैं एक जगह जॉब भी करती थी लेकिन वो जॉब से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से मैंने अपना काम स्टार्ट किया. क्या मसला हुआ था जॉब? मतलब वो ऑनर जो थी वो मुझे खुद काम गलत कर लिया था और ब्लेम मुझे उस चीज़ के लिए किया गया था. अच्छा. लेकिन वो ब्लेम जो था वो गलत होने की वजह से मैंने वो जॉब छोड़ी और उसके बाद मैंने अपना बनाया. आपको गुस्सा आ गया कि बस हुन वेखी तेन मैं दसांगी? नहीं, ऐसा नहीं, बस ये कि अपना बना लिया मैंने. कि आप किसी के लिए इतनी स्ट्रगल करते हो तो वो बेनिफिट आपको मिलता नहीं है, उसमें आपको उल्टा बुरा भलाई कहा जाता है. तो मैंने कहा कि इतनी स्ट्रगल आप किसी के लिए करते हो, आप अपने काम के लिए करें. सो मैंने अपना बना लिया. पहले आप दुबई भी हो के आ चुकी हैं, काफ़ी अमीर है? नहीं, वो जी बहुत लंबी स्टोरी है. बताएं मुझे मुख्तसर कर. मैं काफ़ी टाइम से मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे 12 ईयर्स हो चुके हैं. अच्छा, और 12 साल की तो टोटल आप लगती हैं? नहीं, मैं इतने की नहीं हूँ. अच्छा. एज तो ज़्यादा ही है लेकिन 12 साल की नहीं हूँ. और जॉब भी मैं अपने ही मेहनत के पैसों पे गई हूँ. अच्छा. और वहाँ मैं जॉब करती थी. अनिला, बाहर जाके कमाना क्यों स्टार्ट किया? बाहर सबसे पहले तो मैं यहीं पर जॉब कर रही थी और मैं मैट्रिक में थी. मेरे घर की कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह से हो गई कि मैंने जॉब स्टार्ट कर दी. मेरी मदर हार्ट पेशेंट हो गई और मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल उनके लिए और किया, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वालदा जो है वो किसी के आगे हाथ करें. तो इस वजह से मैं कर रही थी. और उसके बाद ये हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में की है. मैंने सबसे पहले जो मैट्रिक में जॉब की थी वो मैंने टीचिंग से स्टार्ट की थी, और टीचिंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता जॉब मेरी चेंज होती गई, मेरी स्टडी भी आगे बढ़ती गई. कुछ वक्त ऐसा भी मेरी लाइफ में आया है कि मैं मतलब सारा दिन जॉब करती थी, रात को पढ़ती थी और सुबह एग्ज़ाम देती. मैंने FA SA किया था ना कंप्लीट. उसके बाद फिर मैं एक अच्छी जगह पे लग गई. और उसके बाद ये था कि मेरी मदर हार्ट पेशेंट थी तो मैं सारा दिन फिर जॉब करती थी और पूरी रात उनके साथ हॉस्पिटल में रहती थी. लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है.
उसके बाद ये कि मुझे लास्ट एक डॉक्टर ने, जब मैं भी थक गई थी कि कुछ समय, क्योंकि मेरे फादर की ने दूसरी शादी कर ली हुई थी, तो मदर को लेके हम बहन भाई ही हर जगह जाते थे। तो एक दिन फिर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि एक बड़े अच्छे डॉक्टर मिल गए, जिन्हें हमें एक डॉक्टर रिकमेंड किया, तो उसे पता चला कि मेरी मदर जो है वो हार्ट पेशेंट, और सिर्फ 20% उनका हार्ट काम करता है। तो मैं उन्हीं के लिए, उनकी इलाज के लिए मैं दुबई चली गई, और मैं तकरीबन साल में 3 दफ़ा अपनी ही सैलरी के ऊपर उनके लिए आती थी, उनके इलाज के लिए आती थी। उनका सारा ट्रीटमेंट को, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा बिल्कुल ठीक है। और हाँ, जब मेरी सिस्टर की शादी होने लगी उस वक्त मैं नहीं आई। क्यों? वो इस वजह से नहीं आई कि मैंने कहा कि अब सिस्टर की शादी है तो चलो इसको मैं पैसे भेज देती कि उसकी शादी अच्छे से हो जाए, तो उस पर मैं नहीं आ सकी। लेकिन अपनी वालदा के लिए जब ज़रूरत हो तो मैं उसी वक्त आती थी, चाहे मैं वो 3 दिन के लिए क्यों ना आऊँ, तो उनका करवा के मैं जाती थी वापस। अनिला, आपने रुला दिया है। अब मुझे ये बताएं कि कौन सा सूट कितने में है और कितना बजट होना चाहिए तो फिर आपके पास आना चाहिए। मेरे बहुत रीज़नेबल में, अभी मार्केट में हर किसी के, मैं अपने ब्रांड को किसी के साथ कंपैरिजन तो नहीं करती हूँ, लेकिन ये कि मेरी बहुत रीज़नेबल है, मेरी 25,000 और 3,000 तक स्टार्ट होती है प्राइस। लड़कियाँ अब लाइमलाइट और BTW छोड़ देंगी और सिर्फ आपके पास आएंगी। उनकी मर्जी है। किस तरह की डिज़ाइन है आपके पास? मेरे पास वेस्टर्न कट्स भी हैं और नॉर्मल्स में भी है, हर तरह के डिज़ाइन है। आजकल ज़्यादातर लड़कियाँ शॉर्ट पहनती हैं जहाँ पेट नज़र आ रहा होता है और आधी टांगें नज़र आ रही होती हैं, वैसे भी हैं? नहीं, वैसे अभी तक नहीं है, लेकिन वो कस्टमाइज में कर देती है अगर किसी की ख्वाहिश हो के जी हमने ऐसे पहने। मैंने एक बनाया टॉप ऐसा, लेकिन वो इतना शॉर्ट नहीं है, देखना चाहूँगा। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो ये मेरा प्लेन टॉप है, ठीक है, लेकिन ये फुल है, ये शॉर्ट बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ जो है वो इसकी ये पेंट स्टाइल में जामावा का ये ट्राउज़र बना हुआ है। अच्छा, ये डिज़ाइन भी आप खुद से करती हैं, ये कहाँ से सीखा आपने? ये मुझे गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, मैंने किसी से नहीं सीखा। ये बहुत प्यारा डिज़ाइन इन्होंने किया है और जिसमें लड़की की टांग नज़र आ रही है। मदर ने भी मुझे बोला था, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि ये मैं रियल में नहीं पहना रही, ये जस्ट मैंने एक स्केच बनाया है। रातों को जाग के ये डिज़ाइन तैयार किया? एक्चुअली मैंने सारे रात में बैठ के बनाती थी, स्केच करती थी। अभी लास्ट में रात यहाँ बैठी थी, मेरी मीटिंग थी तो वो लेट हो गया, मैं बैठ के यहाँ पे स्केचिंग मैंने शुरू कर दी। अनिला, कितने टीम मेंबर्स हैं? मेरे पास 5-6 हैं। 5-6, इन सबको कैसे लेकर चलती हैं? इतनी जहीन है, बस चल रहे हैं। बचपन से जहानियत आपके अंदर कूट कूट के बढ़ी गई है? जब आप इस चीज़ को आते हैं ना, स्ट्रेट पे बैठती हैं, तो बहुत कुछ फिर आ जाता है आपको। आपको ऐसी चीज़ों का भी पता चलते हैं, ऐसी चीज़ें फेस करते हैं जो लाइफ में आपको पहले कभी पता नहीं होते हैं, तो वो सब चीज़ें ये काम करें ना, अपना पता चल जाता है। अनिला, ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया आपने, दुबई भी गई, आप पाकिस्तान में भी रही, बहुत सी जॉब्स भी की, तो कभी सोचा था कि फैसल खान सूरी आपका इंटरव्यू करें? सोचा था, क्योंकि मैंने बताया ना कि लाइफ में वो चीज़ें देखी जो अब देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल जी, ये सब कुछ तो हो गया, मज़ाक से भरपूर इंटरव्यू भी किया और बहुत इमोशनल इनकी कहानी भी थी। लेकिन जो लड़कियां इनसे रابطہ करना चाहती हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जा रहा है और नीचे इंस्टाग्राम की आईडी भी दी जा रही है, आप इंस्टाग्राम पे भी कोई ऑर्डर करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। और बहुत ही खूबसूरत आपको डिज़ाइन यहां पे मिलेंगे और वेबसाइट पे भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं एक बात कहना चाह रही हूं कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज़, जो लोग अपनी बेटियों किस तरह से मार देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि बेटियां ही अपने माँ बाप के लिए बहुत स्ट्रगल करती हैं और यहाँ तक आती हैं। तो अगर मैं भी आज यहाँ पे खड़ी हूँ, तो चाहे मेरे फादर ने सेकंड शादी कर ली, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मुझे पढ़ाने में कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है, और मैं यहाँ पे आज अपनी वालदा की वजह से हूँ। लेकिन मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपनी बेटियों से प्यार करें, उन्हें इस तरह से इतनी बेदर्दी से ना मारें। अनिला, जो लड़कियां डिग्री भी ले लेती हैं लेकिन घर में बैठी रहती हैं और फ्री बैठी रहती हैं और माँ बाप के सर पे बोझ बनी रहती हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उन्हें कहूँगी कि आप प्लीज़ अपना काम ज़रूर करें, चाहे कम पैसों से करें, मैंने भी बहुत कम से स्टार्ट किया है, लेकिन आप भी कर सकते हो, तो ज़रूर करो। अगर किसी तरह का उन्हें गाइड चाहिए और उन्हें नहीं समझ आ रही, वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। ठीक है जी, अनिला बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आने के बाद।